नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन पहले का तीसरा भाग हम करने जा रहे हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। आइए इसे हल करने का प्रयास करें। हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें क्वेश्चन ये है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करते हैं। यहां से x स्क्वेयर तो a किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। x x b किसके बराबर होगा, यहां ऊपर x का गुणांक है -6, तो b होगा -6। और बिना एक्स वाई वाली जो रकम है वो है 3, तो c होगा 3 के बराबर। अब इन तीनों की मदद से हमें निकालना है विभक्तकर। विभक्तकर होता है d, और वह बराबर होता है b² माइनस 4ac के। ये फार्मूला बच्चों याद रखना है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो आइए इसे हल करें। b² b कितना है, 6 या माइनस 6? माइनस 6, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। ए कितना है देखिए, 2 इंटू सी। सी कितना है, 3। देखिए इसको हल करते हैं। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 6 का स्क्वायर होगा 6 छिके 36, छिकम छिकम 36। और यहाँ देखिए यह आ गया 4 दूनी 8, 8 तीये 24, 8 तीये 24, तो 36 में से 24 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। इसका मतलब ये जो 12 है ये हमारे पास विभक्त कर आया है b² माइनस 4ac। अब मूलों की प्रकृति के अनुसार मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। मूलों की प्रकृति के अनुसार हमारा b² माइनस 4ac आया 12, जो कि 0 से बड़ा है। यानी ये पहली कंडीशन, b² माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो हमें क्या प्राप्त होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल। दो मूल प्राप्त होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे और वास्तविक होंगे। तो आइए अब हम मूल निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां लिख देते हैं d बराबर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। यही मूलों की प्रकृति है। हमें कहा गया मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब यही है कि मूल कैसे होंगे, तो हमने बता दिया भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। तो आइए अब निकाल के देखते हैं। मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र के अनुसार, आपने द्विघात सूत्र बच्चों पहले पढ़ा है, द्विघात सूत्र के अनुसार एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों ये फार्मूला याद रखना, वैसे तो पिछली एक्सरसाइज में आपने किया है, फिर भी इस द्विघात सूत्र को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम इसकी मदद से x के दो मान निकालेंगे, दो मूल निकालेंगे इस समीकरण के। तो x बराबर माइनस, तो माइनस b कितना है बच्चों, देखो इसको याद रखना, ये यहाँ से निकलेंगे abc। b कितना है, -6। माइनस तो यहाँ ये वाला है, बी के साथ भी -6 है, तो ये ऐसे। और दो निशानों को अलग करने के लिए हम लगाते हैं ब्रैकेट। आगे है प्लस माइनस। ये प्लस माइनस बेटा, प्लस माइनस का क्या मतलब, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, लेकिन वो आगे जाके। आगे है रूट b², बी है -6, यानी सॉरी ये b² माइनस 4ac तो हमने पहले ही निकाल लिया था, 12 निकाला था ना। देखो b² माइनस 4ac 12 के बराबर, तो 20² माइनस 4ac की जगह लिख दो 12। इसको दोबारा हल करने की यहाँ जरूरत नहीं है। अपॉन 2a, 2 इंटू ए, ए कितना है देखो बच्चों, ए है 2 के बराबर। अब हमें इसे हल करना है आगे, तो आइए करते हैं। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 प्लस माइनस 12। 12 को मैं लिखता हूं 2 दूनी 4 3 12 बटा, नीचे आ गया 2 गुना 2
चार। इसे थोड़ा आगे हल करते हैं, देखिए छ प्लस माइनस, ये यहां से देखिए ये दो का एक जोड़ा है ना, तो इनमें से एक दो, इनमें से एक दो रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया तीन बटा नीचे है चार। ठीक है बच्चों, ये समझ आया आपको? दो गुना दो था ना रूट के नीचे, इसमें से एक दो रूट से बाहर आ गया, एक ही दो है ना, जोड़े में से एक बाहर आता है, अंदर बच गया रूट तीन बटा चार यहाँ नीचे है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो एक्स बराबर छ, एक बार प्लस ले लो दो रूट तीन बटे चार, साथ की साथ एक बार माइनस वाला लिख लो, छ माइनस दो रूट तीन बटा चार। वैसे तो इसको भी आप मूल कह सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और आगे हल कर देंगे, देखिए कैसे। देखो ये छ भी दो के पहाड़ में आता है, ये भी दो के पहाड़ में आता है, तो इनमें से दो कॉमन ले लो, छ में से दो कॉमन लिया, छ को दो से भाग कर दिया, बाकी बचा तीन, दो रूट तीन में से दो कॉमन चला गया तो बाकी रह गया रूट तीन बटा नीचे है चार। ऐसे ही यहां पर छ और दो में से नीचे तो चार है ही, छ और दो में से दो कॉमन, छ में से दो कॉमन यानी छ को दो से भाग कर दिया तीन, माइनस दो रूट तीन में से दो कॉमन तो बाकी रह गया रूट तीन बटा चार, था बटा चार लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, मुझे लगता है आपको पता ही होगा, ये ऊपर वाले दो से दो एकम दो, दो दूनी चार ये काट देंगे, और यहां भी दो एकम दो, दो दूनी चार हम काट देंगे। अब जो बचा वो लिख दीजिए, हमारे पास बचा देखो x बराबर वन, इस ब्रैकेट से गुना होगा तो खत्म हो जाएगा, बाकी रह गया तीन प्लस रूट तीन बटा नीचे है दो, और यहां x है तीन, एक इससे गुना होकर खत्म, तीन माइनस रूट तीन बटा दो। तो ये हमारे पास x के, ये आगे हल नहीं हो सकता क्योंकि ये बिना रूट वाली रकम है, ये रूट वाली रकम है, ये आपस में प्लस हो नहीं सकते। ऐसे यहां पर भी एक रूट वाली रकम है, एक बिना रूट वाली रकम है, ये भी आगे हल नहीं हो सकते। तो x के दो मूल आ गए, एक आया तीन प्लस रूट तीन बटा दो, दूसरा आया तीन माइनस रूट तीन बटा दो। यही हमें निकालना था, हमें द्विघात समीकरण का सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालनी थी, वो हमने यहां बता दी। उसके बाद क्योंकि वास्तविक मूल है इसलिए हमने मूलों को निकाल भी दिया। हमने कहा था दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, देखिए ये वास्तविक हैं दोनों और ये भिन्न है, ये प्लस है यहाँ माइनस है। तो ये हमारा उत्तर हल हो गया। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा, यदि कहीं से भी ना समझ आया हो तो पीछे जाकर आप दोबारा इस प्रश्न को देख सकते हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो उससे हमें और मेहनत से वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।